श्री सुधांशु मित्तल जी, जो इस हम सब की दिलों की धड़कने हैं, जिन्होंने वाकई हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इनके लिए भी हम सर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनके साथ जो हमें गाइडेंस और जो साथ साथ हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, श्री राजीव मेहता जी, जो अभी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इनके साथ इनके कोच श्री चंद्रजीत यादव जी, महाराष्ट्र के सेक्रेटरी श्री गोविंद जी, जो हमारे बीच साथ में हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। इसके साथ खो एसोसिएशन दिल्ली का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने पूरा जो यहां पर इस बच्चे का स्वागत किया है। वैसे तो स्वागत हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक हमारे लिए एक ऐसा मोमेंट है, एक ऐसा क्षण है कि हम इसको अगर ये कहें कि कोई ये अतिशयोक्ति नहीं है, कोई वर्ड नहीं है इसके लिए हमारे लिए, जो आज हम खोखो परिवार के लिए ये खुशी का दिन है, ये जो अवार्ड मिला है ये हमारे लिए इतना, मैं कोई ऐसा वर्ड डिक्शनरी में नहीं ढूंढ पा रहा हूं जो मैं इसको बयान कर सकूं। इसके साथ प्रेस से आए हुए जितने भी प्रेस में ज्वाइन किया है, जो हमारे स्टेट सेक्रेटरीज हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, और आप सभी का सहयोग से ये जो आज दिन आया है ये आप सभी का देन है, आप लोगों का सहयोग है, आप लोगों का हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर जो आप मूवमेंट कर रहे हो, ये आप सभी का सहयोग है, वेरी वेरी थैंक्स। इसके साथ मैं हमारी डायनेमिक पर्सनालिटी श्री सुधांशु जी मित्तल जी से रिक्वेस्ट करूंगा, वो आगे की कार्रवाई और प्रेस को संबोधित करें। थैंक यू सर। आज वाकई खोखो परिवार के लिए एक बड़ा भावनात्मक दिन है। हमारे बीच हमारी खोखो की शान, मैं तो आन बान शान कहूंगा, सारिका काले हमारे बीच आई हैं, उन्होंने हमें गौरवान्वित करा है। 22 साल बाद किसी खोखो के खिलाड़ी को राष्ट्रीय स्तर पर अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाए, इससे बड़ी उपलब्धि किसी खेल के लिए नहीं हो सकती। एक बड़ी खिलाफत के बावजूद एक हिम्मत भरा फैसला कि पारंपरिक खेलों को भी राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जाए, इसके लिए मैं तहे दिल से किरण जी का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूंगा। सारिका एक विलेज से बिलोंग करती है, जो उस्मानाबाद विलेज है। इसका जो परिवार है, एक आर्थिक उससे कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका मन, इसका जो एक खेलने की जिज्ञासा थी, वो इन्होंने शुरू किया, और इस उससे इन्होंने खोखो को चूज किया। उनके कोच श्री चंद्रजीत यादव जी ने उनको प्रशिक्षण शुरू किया, लेकिन कुछ कारणों से उनका परिवार में आर्थिक कारण से वो खेलने में थोड़ा उसे प्रॉब्लम आने लगी। उसका फादर साहब भी इतने अच्छे हेल्थ नहीं थी और कमाने वाला कोई नहीं था, तो श्री चंद्रजीत जी उनके कोच हैं और उस क्लब को चला रहे थे, उन्होंने उनका मदद किया, और इस बच्चे ने उस मदद के साथ साथ अपना आर्थिक के साथ साथ इन्होंने बड़े ही ढंग के साथ इन्होंने इस खेल को बढ़ाने के लिए अपना प्रयास रखा। सबसे पहले इन्हें स्कूल एसोसिएशन, स्कूल नेशनल चैंपियनशिप, ओपन नेशनल चैंपियनशिप, और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया, जो करीबन 22 नेशनल चैंपियनशिप में इसका योगदान रहा, और उस योगदान में इनको जो हाईएस्ट अवार्ड महाराष्ट्र का, नेशनल का, वो सभी इनको मिले।
और उसके बाद इनका सिलेक्शन इंटरनेशनल के लिए हुआ, जिसमें साउथ एशियन खेले, एशियन चैंपियनशिप खेले, इंग्लैंड के अंदर जो ट्रायंगल सीरीज थी वो खेले। इन सभी के साथ साथ जो इसका योगदान रहा उसको देखते हुए जो हमारे आका हैं खो खो के, श्री राजीव मेहता जी जो डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे प्रेसिडेंट हैं, श्री सुधांशु जी, इनके अथक प्रयास से ये जो आज अर्जुन अवार्ड मिला है, रियली जितना खेलने में दम सारिका ने लगाया उतना ही दम इन दो शख्सियत ने लगा करके इस खेल को एक नया जीवन दिया है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए और इंडियन ओलंपिक फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि आफ्टर 22 इयर्स खो खो को ये अर्जुन अवार्ड ऑनरेबल मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिस्टर किरेन रिजिजू ने दिया। और मैं सोचता हूँ कि खो खो के बारे में सोचने के लिए किरेन रिजिजू जी ने जो काम किया है उससे बढ़िया हमारी प्लेयर ने जो उसका परफॉर्मेंस रहा, जो उसका अचीवमेंट रहा, उसका भी एक अपने आप में बड़ा योगदान था खो खो को आगे बढ़ाने के लिए। मैं इस बच्ची का भी अपने तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि ऐसा अचीवमेंट हमारे दूसरे बच्चे भी करें जिससे ये पुरस्कार रेगुलर रहे सरकार की तरफ से और हमारे एक दो बच्चे खो खो के ये हमेशा इस श्रेणी में रहे कि हमें कुछ ना कुछ मिलता रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सुधांशु मित्तल सर, एम एस जी त्यागी सर और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण जी रिजू सर। आज इनके बदलों की वजह से हमारे खो खो गेम को आज ये अवार्ड मिला है। देखा जाए तो मैं एक सर्वसाधारण कुटुंबीय की हूँ और मेरे पिताजी का जो बिलीव था कि वो नकारात्मक भूमिका के था, वो समाज की और नकारात्मक भूमिका की तरफ देखते थे और वो उनके मन में लग रहा था कि गरीब घर की लड़कियां शॉर्ट्स पे नहीं खेल सकती वगैरह उनके मन में चल रहा था। वो कहीं साइड पे रखे मैंने ये खो खो ज्वाइन किया और अभी ये जो अवार्ड मिला है सच्ची में ये सब क्रेडिट में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबर्स को देती हूँ और ओलंपिक को भी देती हूँ की वजह से हमारे खो खो के लिए बहुत अच्छे दिन आए हैं और जो प्लेयर आगे जो प्लेयर्स आने वाले उनको अच्छी तरीके की मोटिवेशन भी मिल जाएगी। और मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि किरण जी रिजू जी ने जो ये अवार्ड के लिए जो राशि जो बढ़ाई है वो प्लेयरों के लिए जरूरी था, उनका मैं मोस्टली थैंक्स बोलना चाहती हूँ आज के इस दिन पे। सच्ची में बोलना चाहती हूँ कि खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार चालू होना बहुत जरूरी था, जो इस सब के लिए वो जो दौड़ रहे थे, जो किरण जी रिजू जी सर थे, एम ए जी त्यागी सर थे, सुधांशु मित्तल सर थे और हमारे मेहता सर थे, इनके बदौलत की वजह से आज ये पुरस्कार चालू हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे खो खो के लिए आज के दिन पे, मुझे कहने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल खो खो फेडरेशन आई वांट टू congratulate to Sarika, Indian Khokho Federation, also the coach, Maharashtra coach and Khokho Federation, Khokho Association of Maharashtra, also Khokho Federation of India, who have worked so hard to bring this award and the talent we needed from the villages. And after that, the biggest and a huge thank you to our Sudhanshu Mittal ji, Shri Rajiv Mehta ji and Mr. Tyagi, who has worked so hard to get this opportunity after 22 years. I salute you, I pray to God that you, the trio, the federation, the whole team stays there for a little longer so we can bring this game worldwide, one of the top game. And I wish that all your hard work paid very soon. पहले तो सर मैं सारिका जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और जिस डिस्ट्रिक्ट से वो आती हैं, मैं सुना है गुलाब जामुन बड़े मशहूर हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये मिठास जो है ना केवल उनके क्षेत्र के लिए बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। और इट्स रियली बिग अचीवमेंट कि 22 साल बाद जो एक सूखा था, मैं सूखा नहीं कहूँगा, मतलब एक जो गैप था उन्होंने इसको
भर दिया पूरी शिद्दत की तरह, मतलब मेहनत की है। मैं सारिका जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि वो महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं, वहाँ पर खो खो के अलावा कबड्डी भी है, हॉकी भी है और भी कई गेम्स हैं, तो उन्होंने खो खो को ही क्यों चुना, इस गेम को ही क्यों चुना? मैं बहुत खुशी हो रही है कि हमारा गेम ही खो खो गेम ही ऐसा है कि वो हर खिलाड़ी वो खेल नहीं सकता है। देखा जाए तो खो खो प्लेयर है हर खिलाड़ी हर गेम खेल सकता है, खो खो ये खेल कोई नहीं खेल सकता। देखा जाए तो एक एग्जांपल है जो हमारे क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर है, वो खो खो के बहुत अच्छे प्लेयर, वो खो खो खेल चुके हैं, वो अभी क्रिकेट खेल रहे। मुझे बहुत खेलने में बहुत खुशी हो रही कि मैं खो खो से जुड़ी हुई हूँ और मैं खो खो खेल रही हूँ, अभी मुझे खेलने में बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैं सबसे पहले तो खो खो फेडरेशन के जितने मेंबर्स है, सुधांशु जी और पूरा टीम, आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपने खो खो को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा काम शुरू किया और ग्रास रूट लेवल में इसका कॉम्पिटिशन का फॉर्मेट्स ऑर्गेनाइज करके अच्छी तरह से आप प्रतियोगिता आयोजित करने का फैसला भी किया है, इससे आगे लाभ मिलेगा। और सरिका को मैं बधाई देता हूँ कि इस बार आपको अवार्ड मिला है, रिकॉग्निशन मिला है और खो खो के प्रति आपने जितना काम किया है, जितना खेला है, उसके वजह से खेल को भी सम्मान मिला और इसको भी पहचान भी मिला है। अच्छा खिलाड़ी होने से खेल का स्तर बढ़ता है, तो खिलाड़ियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खेल और खिलाड़ी, इसके लिए हम लोग सब बैठे हैं। इस बार हमने कैश अवार्ड भी बढ़ाया है, अर्जुना अवार्ड, पहले 5 लाख मिलते थे तो इसको हमने 15 लाख कर दिया इस बार। भारत अपने आप में बहुत ही मजबूत देश है, भारत अपने आप में बहुत बड़ा देश है, तो एक बड़ा देश होने के नाते, एक प्राचीन देश होने के नाते, कुछ खेल ऐसा है जो ओलंपिक्स में नहीं जा करके भी पब्लिसिटी किया जा सकता है, ओलंपिक में नहीं जा करके भी वो पॉपुलर हो सकते हैं, ओलंपिक के बिना भी अपने दम पर खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है। जो छोटे देश है उसके लिए तो हम नहीं कह सकते, बड़े देश अपने आप में इतना बड़ा बाजार है, 138 करोड़ का हमारा देश है, तो हम अपना पारंपरिक खेल को क्यों बड़ा नहीं कर सकते हैं? इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर में भी हम दबाव डालते हैं और अपना वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश करते हैं, और जो गेम ओलंपिक्स में नहीं है तो भी हम अपने स्तर पर इसका बड़ा मान सम्मान कर सकते हैं। जैसे कि अब जापान में देखिए सुमो जो है वो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, लेकिन सुमो का स्थान जापान में कोई ले नहीं सकता है, उसका इज्जत और उसका मान सम्मान, उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो ऐसे भारत में भी हमारा पारंपरिक खेल है, उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। मैं बचपन में जब खो खो खेलता था तो हम लोग वहाँ तो खो खो ही सबसे पॉपुलर थे। सिंपल गेम है, दो खंबा दो तरफ में, फिर बीच में भाग दौड़ लगाना, एक दूसरे को पकड़ना, छूना या डोजिंग करना, बहुत ही फिजिकल गेम है और बहुत ही रिफ्लेक्शन चाहिए, स्पीड, फास्ट, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टेमिना। खो खो जो बहुत फास्ट गेम है, तो हम तो खेलते थे अपने गांव में, बहुत ज्यादा खेलता था, बाद में खेलने का समय मिला नहीं, छोड़ दिया, लेकिन खो खो खेलते समय बहुत मजा आता था, और हम लोग तो स्कूल में हम लोग चैंपियन भी थे, इसलिए आज भी खो खो का कोई प्रतियोगिता होता है तो उसमें देखने का मन होता है। आज आप लोगों ने जिस जोश के साथ ये सम्मानित कार्यक्रम किया सरिका बहन के लिए, आप लोग को मैं बधाई देता हूँ कि आपने एक खिलाड़ी को सम्मान देना सरकार ने तो किया है, लेकिन फेडरेशन की तरफ से भी जो आपने किया है ये बड़ी बात है, इससे ये पता चलता है कि आप लोग बहुत ही कमिटेड है। मैं आप लोग को फिर से बधाई देता हूँ और आगे मिलजुल करके फिर काम करेंगे और खो खो को भी बहुत आगे तक ले जाएंगे। धन्यवाद। यहाँ मैं कह दूं कि जब जब किरण जी के पास अब खो खो के किसी विषय के लिए गए हैं तो उन्होंने फट से हमारी बात सुन के उस पर जो कार्यवाही करनी होती थी फट से कर दी। हमने इनसे कई बार निवेदन करा कि इससे बात कर दीजिए ताकि खो खो को बढ़ावा मिले, और हर बार किरण जी ने बिना किसी विलंब के फौरन जो है
खोखो के प्रति अपना स्नेह हम सबके सामने दिखाया और फौरन ही उन्होंने, चाहे ब्रॉडकास्टर हो चाहे कोई हो, हमारे लिए हमेशा अग्रसर रहे हैं। मेरे साथ तेंजिंग भी जुड़ गए, तेंजिंग जो कि अल्टीमेट खोखो लीग के करता धरता है, वो भी दो शब्द कहेंगे। थैंक यू ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू साहब, राजीव मेहता जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। आई थिंक ये हमारे स्पोर्ट के लिए बहुत एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है एंड इससे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलने वाला है जितने भी बच्चे जो अभी आज के डेट में खो खो खेलना चाह रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि अल्टीमेट खो खो से हम जो करना चाहते हैं उसके लिए आपका ये जो सपोर्ट है ये बहुत ही बड़ा है और ये आगे जाके इस लीग को और इस स्पोर्ट को इंडिया में और बाहर विदेश में बहुत नाम कमाने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सर। थैंक यू श्री किरण रिजिजू, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस अवार्ड एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट स्तारिका ऑन द सेम फॉर डूइंग दिस। आई थिंक द खो खो इज गोइंग टू गेट द नेक्स्ट पुश which we need, and we are very excited about the Khokho League and also getting all more new younger players to win these awards and helping the league and the players out. Thank you so much, sir. पहले तो स्तारिका और खोखो फेडरेशन को बधाई कि उन्होंने एक मील का पत्थर तय किया और आगे बढ़ जाए, मेरी शुभकामनाएं हैं तमाम लोगों की। सुधांशु जी, जो एक तो ये है कि आपने कहा था कि एशियाई खेलों को लेके कि अब एशियाई लेवल पे इसको मान्यता मिल गई है खो खो को, तो ये भी इसके लिए भी आपको, आप तमाम लोगों को बधाई। इससे आप किस लेवल पे, आप किस तरह से लेके जाएंगे, आप क्या इस, आप लोगों की योजना है भविष्य को लेके, क्योंकि देश में अभी भी खो खो या खो खो जैसे दूसरे खेल अभी भी अछूत की तरह ही व्यवहार किया जाता है। ठीक है कि आपने अर्जुन अवार्ड एक मिल गया, लेकिन देश के पैमाने पर अगर देखा जाए तो खेल मंत्रालय हो या खेल संगठन हो या खो खो फेडरेशन को ही बहुत ज्यादा लोग उस तरह से तवज्जो नहीं देते हैं। तो जाहिर है कि आपके लिए चुनौतियां हैं क्योंकि एशियाई लेवल पे ये खेल को एक मान्यता मिली है। एक तो ये है कि इसे किस तरह से आगे ले जाएंगे, क्योंकि देश में टैलेंट की कमी नहीं है और खो खो खेलने वालों की भी कमी नहीं है, लेकिन यह है कि इसे किस तरह से ग्रूम करेंगे आप, एक। और दूसरा ये कि जो लीग आपकी अभी स्थगित किया आपने, वो लीग अब कब तक प्रस्तावित होगी, ताकि जो उससे नए लड़कों को जो मोटिवेशन मिलेगा उस लीग से भी मुझे लगता है कि मोटिवेशन मिलेगा, तो वो लीग कब तक शुरू करने की योजना भविष्य में है? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि चुनौतियां हैं। हाँ, चुनौतियां हैं, और क्योंकि चुनौतियां हैं इसलिए संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं हैं। ओलंपिक कमेटी ऑफ एशिया ने इसको एशियाई खेल का दर्जा दे दिया है। यह अब डेमोंस्ट्रेशन गेम होगा इंडोर गेम्स में, और उसके बाद हमारी ये उम्मीद है कि अगला एशिया जो है उसके अंदर ये प्रतिस्पर्धा के रूप में इसको शामिल किया जाएगा, जो कि हिंदुस्तान के लिए और इस खेल के लिए एक बहुत बड़ा एक कदम होगा, क्योंकि एशियाई खेल में स्वर्ण पदक लेना किसी भी खेल के लिए एक स्वप्न होता है, और वैसा स्वप्न हम साकार करेंगे, इतना मुझे पूर्ण विश्वास है। लीग अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा खो खो की प्रसिद्धि के लिए, उसकी उसकी पहचान के लिए और उसकी मान्यता के लिए। उस लीग में अभी तक जो कल्पना है वो टेक्नोलॉजी के स्तर पर कोई भी हिंदुस्तान में जो लीगें चल रही है उससे आगे होगी। वो उसमें अलग अलग सेंसर्स लगाने का की व्यवस्था है, उसकी जो ग्राफिक्स है जानकारी के स्तरों पर बहुत अत्यधिक आधुनिक स्तर पर वो करा जा रहा है। अब लीग के दिन कौन से होंगे इसलिए करना मुश्किल है कि जब तक स्थितियां सामान्य ना हो जाएं तब तक किसी भी तारीख को चुनना शायद बहुत अकलमंदी नहीं होगी। इस वजह से हम लोगों ने अभी तारीख तय नहीं करी है, लेकिन जल्दी वो तारीख तय हो जाएगी जैसे ही स्थितियां थोड़ी सामान्य होंगी। Firstly, I'd like to congratulate Ms. Tarika. This is such a phenomenal achievement. The Arjun Award across the nation, across the world, we recognize the importance of such a powerful and important award, and we are so humbled to hear that Khokho has achieved this.
And Sarika, I have met you, I've seen you play in the England International, I've seen you play in other tournaments, and you're a very hardworking player, you're a team worker, and now you're a leader, you're an ambassador for the Koko fraternity. And so I would like to congratulate you and also your coach, Mr. Chandrajit Yadav. This is a phenomenal achievement what you have achieved. This is history in the making, and this will raise the platform for Koko in the long term. I don't know how Mr. Sudhanshu Mittal, Mr. Rajiv Mehta, and Mr. MS Tyagi keep pushing the boundaries for our sport. First with the Olympic Council of Asia recognition, then with getting a great partner like Dabo for Ultimate Koko, and now with the Arjun Award. This is such a proud achievement. It's a great time for Koko. I'd like to thank everybody that has been involved. Sarika, if you can, I'd like to ask you, what is your vision for Koko at an international level going forward? और आपने मुझे जो अवार्ड भी सुनकर है ये इसके मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और मुझे बहुत आज खुशी हो रही है आज मैं इनके परिवार से सामने आज यहाँ पे आ चुकी हूँ और इनका आशीर्वाद मुझे मिला है और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ और मेरी वजह से खो खो को अवार्ड चालू अर्जुन पुरस्कार चालू होना शुरू हो गया ये तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है आज के दिन वैसे सर मेरे पास खुशबू जी का मैसेज है जिन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन वो चले गए और वैसे उसका जवाब आपने दे दिया पर फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ ये जानना चाह रही हूँ ये सर पीपीएन से हैं ये जानना चाह रही थी कि सर लड़कियों के लिए खास तौर से खो-खो में कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वो इस खेल में और आ सके वैसे तो खैर हमारी एक खिलाड़ी ने करिश्मा कर ही दिया बट कौन कौन से ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे लड़कियों को और इस खेल में लाया जा सके ये लड़कियों को हमने विशेष तौर पर प्राथमिकता दी है अगर आप सारे अवार्ड्स देखें हमारे जितने कैश अवार्ड्स हैं उन सब में महिलाओं को और पुरुषों को दोनों को बराबरी का मिलता है हमने कोई महिलाओं को कम और पुरुषों को ज्यादा ऐसा कुछ नहीं रखा एक बात जहां तक सहूलियत का सवाल है सुरक्षा का सवाल है ख्याल करने का सवाल है महिला खिलाड़ी और बच्चियों के लिए तो खास तौर पे हमारा ध्यान रहता है उनकी सुविधाएं अच्छी हो रिजर्वेशन ढंग से हो जाने आने में कोई तकलीफ ना हो एक परिवार की तरह उनकी चिंता करी जाती है और जैसा मैंने कहा सारिका को अर्जुन अवार्ड मिलने के बाद जो लड़कियां हैं और महिला खिलाड़ी हैं उनको इस खेल के प्रति आकर्षण और होने वाला है लीग में अभी तो महिलाओं की लीग नहीं है अभी तो पुरुषों की लीग है लेकिन उसी लीग के अंदर एक्सपेरिमेंटल लीग में महिलाओं का भी प्रदर्शन होगा और मिक्स लीग का भी प्रदर्शन होगा ताकि महिलाओं का और मिक्स दोनों होंगे तो महिलाओं की भागीदारी इसमें पूर्ण रूप से हो जाएगी जिनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सारिका के यहाँ तक पहुंचने में सर एयरपोर्ट अथॉरिटी के वो स्पोर्ट्स डायरेक्टर रहे हैं श्री पीवी सुब्रमण्यम जी सर ये बहुत जमीनी उस पर क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं और लगभग सारे स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थे वो बल्कि कहना चाहिए एयरपोर्ट अथॉरिटी में इन्होंने उन सबको इंडक्ट किया है और करीबन 18-19 प्लेयर्स इनके चुने हुए अर्जुन अवार्डी बन चुके हैं सर और इंडिया के इट्स अ वंडरफुल ओकेशन कांग्रेचुलेशंस टू द कोको फेडरेशन पर्टिकुलरली टू सारिका फॉर गेटिंग दिस अवार्ड आई बिलीव आफ्टर 22 इयर्स समवन फ्रॉम द कोको fraternity is getting the award and we are very I mean I'm a retired official from the airport authority I'm still connected with their sports for me particularly and for the airport authority it is a really pleasurable moment because in 2016 our chairman wanted to introduce a rural game and we went for women's koko and right from that time we have been doing very well. Our girls have been doing very, very well. And continuously twice, we lost close finals in the nationals. And then last year, we were able to win it. So I think Airport Authority is really proud that a girl promoted by the Airport Authority of India has gone on to get the Arjuna Award. And my best wishes to the Koko Federation of India. I'm sure you will come up the ladder more. And the game will become more popular. Thank you very much, sir.
Thank you so much, Subramaniam ji. It's people like you who have laid the foundation for this game to go from place to place. Without your indulgence and patronage, a lot of these players who are today performing well would not have done so because of lack of opportunity of employment. We are indeed very, very grateful to you for this indulgence. Thank you, sir. Thank you. Khokho Federation of India is very grateful for that.